प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन के तहत करोड़ों की राशि देकर रेलवे स्टेशनों को हाईटेक करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत बरेली, काशीपुर जंक्शन, टनकपुर, पीलीभीत जंक्शन, कन्नौज और कोटद्वार के स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 50 सालों के हिसाब से भारतीय रेल सुविधाओं को बढ़ाने का बीड़ा उठाया गया है, जिसके तहत 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। इससे पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बरेली सिटी, काशीपुर जंक्शन, टनकपुर, पीलीभीत जंक्शन, कन्नौज और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। वहीं अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत दीप प्रज्वलित कर काशीपुर के रेलवे स्टेशन का पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक वाली, भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के द्वारा इस समारोह का शिलान्यास किया गया। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है, आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है, हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई और हम सब ने देखा किस प्रकार रेलवे स्टेशन जो बड़े बड़े एयरपोर्ट थे उनकी तरह ही उनको बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लगभग 554 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार जो आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और हमें आज यहाँ आकर ज्ञात भी हुआ कि लगभग 40 लाख लोग आज पूरे देश से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और मैं अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों से यहाँ के भी 3 रेलवे स्टेशनों को इस अमृत योजना में शामिल किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।